सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, नहीं तो 9 बज रहे होंगे, मुझे कोई करेक्ट अंदाज़ा नहीं है वैसे, बट हाँ 8:30-9 के बीच में है। ठीक है, तो देखो आज हमारे दुकान पर जो खेत है ना पास में ही, उसमें चलेगा पानी और जो भी बीज यूज होंगे ना धान के, तो उनका बुवाई होगा। हम करेंगे ऐसा काम ना कि आज जो वो बुवाई हम करवाएंगे। आपने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा कि ये सब देखो कितने छोटे छोटे थे, ये वाला सीन देख सकते हो कितने छोटे छोटे थे ना, बट आज देखो कितने बड़े बड़े हो गए, लिटरली कितने बड़े बड़े। तो देखो आज मैं बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर बुवाई होती है और कैसे हम सब अपने खेतों को जोतते हैं, क्या करते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि वो शहर में रहते हैं और हाँ खेतों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो देखो वो मेरे चाचा हैं एक्चुअली, हाँ, तो मुंबई से भी कुछ टाइम पहले आए हैं, तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो ठीक है, इसका भी वीडियो बना लेते हैं और डाल देंगे यूट्यूब पे। उसमें क्या है, जो देखेगा वो शायद जान भी जाए। शाबाश बेटा, जितना मैं दिखा सकूँगा, एक्चुअली चाचा वाचा नहीं जानते ना, तो जितना मैं दिखा सकूँगा उतना मैं दिखा दूँगा और जितना नहीं हो पाएगा उतना मैं बता दूँगा। बस यही है। हाँ देखो ये सारा खेत है, यहाँ पर होगा वो भी है शायद, यहाँ पर तो होगा ही। ये देखो हम सब ने पाइप बिछा रखी, ये मैंने बिछाया एक्चुअली यहाँ से, ये देखो वहाँ से आ रहा है, वो जहाँ ट्राली खड़ी है उसके थोड़ा पीछे से आ रहा है और यहाँ पर मैंने लाया है छाव झा के। तो मैंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं ताकि जब गंदे हों तो धुलने में भी आसानी रहे और बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी ना पड़े, क्योंकि जो मैं कपड़े पहनता हूँ ना वो गंदे हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो हाँ अभी ये है कि वहाँ पर जब मैं धनिया वनिया लेने आता था, धनिया लहसुन जो भी पत्ते होते थे उसके, तो आप सब देखते होंगे नहीं ये बहुत छोटे छोटे थे ये भी और वहाँ पर भी, बट वहाँ तो अभी साग सब्जियाँ हो गई हैं लिटरली और बहुत अच्छी अच्छी हो गई हैं। सो हे गाइस, आपने मेरे ओल्ड ब्लॉग्स में इस सीन को बहुत देखा होगा कि जो कि मैंने यहाँ पर धनिए तोड़े हैं और हाँ यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी धनिए मैंने तोड़ रखे हैं। तो पिछली बार तो ये सब खाली था, आपने जब देखा होगा मैं मोदी जी के पोस्टर को देख के डर गया था, ये सब खाली था, बट अभी देखो यहाँ के कुछ लोग, दो लोगों को दे दिया गया है कि तुम सब अपना इसमें साग सब्जी वब्जी लगाओ और जितना भी हो सके वो करो और उसमें से कुछ हिस्सा में भी देना क्योंकि खेत हमारा है। तो यहाँ पर भी देखो मस्त हो गए हैं सब। सुबह यहाँ पर देखो रस्सी से जो बांधी जा रही है ना, ताकि जब भी नीचे से प्रेशर आए पानी का पाइप में तो रस्सी ना खुले, ठीक है, तो इसलिए रस्सी बहुत कस के बांधी जाती है बहुत ही ज़्यादा तेज। तो अभी हम इस मिट्टी को भिगा रहे हैं और वहाँ पर जो हरी वाली पाइप लगी है मैं दिखाऊँगा ना, उस पाइप पर लगाया जाएगा ताकि वो पाइप जो है वो, ये देखो ये गया, ये मिट्टी उस पाइप पर लगेगा और पाइप को ज़्यादा मजबूत बनाए रखेगा जिससे वो खुले ना पानी का प्रेशर आने पर। तो अभी यहाँ पर देखो मिट्टी से वो लगा रहा है, विवेक लगा रहा है ना, तो इस मिट्टी से वो, उसे ज़्यादा लगाने से वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है जिससे वो निकलता नहीं है। तो अभी मैं छुप छुप के तो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, पर चाचा देख लेंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी मैं चाचा की वजह से हैंडल मारा है, मैं वहाँ पर बोल रही थी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, देखो ये हैंडल मारा है ना, और हैंडल मारने पर उसे भी वो मशीन को मारने से और उसे उठाने से चालू हो जाता है, पानी यहाँ से आएगा नीचे से चालू हो जाता है। तो अभी आप सबको मैंने दिखाया कि कैसे मशीन को स्टार्ट किया जाता है, कैसे मशीन को स्टार्ट किया जाता है और हाँ ऐसे किया जाता है, बस हमारा देखो बैड लक कैसा है, पिछली बार तो मतलब गुड लक ही था, मतलब क्या था मैं बताता हूँ, देखो एक मिनट इसे रख देते हैं आप ही, इसमें सारे मशीन की चीज़ें होती, पिछली बार गुड लक ये था कि सबकी पानियाँ चल गई थी खेतों में, हम सब बचे हुए थे और हमारे बचने पर ही बारिश आ गई थी, तो हमें चलाना नहीं पड़ा था, ठीक है। इस बार जैसे ही हमने स्टार्ट किया, ये देखो मौसम कैसा हो रहा है, बिल्कुल बारिश जैसा, धूप धूप तो बिल्कुल गायब ही है भाई, कतई एकदम गायब, क्या दुश्मनी दुश्मनी है क्या हमसे। एक्चुअली मैं तब से ब्लॉग में खुद को ही दिखा रहा हूँ और आज के ब्लॉग में हो सकता है मैं खुद को ही दिखाऊँ, क्योंकि ये सब बतानी पड़ेंगी और ब्लॉग में मैं जल्दी किसी को लाता नहीं और मैं जल्दी किसी से बात करता भी नहीं, तो पता नहीं ये ख़राब है या फिर अच्छा है, जो भी है बट यही है, मैं बात तो करता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, जितना भी हो सकेगा मैं दूसरों को दिखाऊँगा, पहले तो मैं खुद से छुट्टी दे दूँ तुम लोग को। वहाँ देखो मशीन चल रहा है और वहाँ पर भी सब काम हो रहे हैं, मैं दिखाता हूँ रुको लेके चल के। तो अभी इस डब्बे को भी मस्त रख देते हैं वहाँ पे और देखो मैं दिखाता हूँ, वहाँ पर मेरे भाई लोग हैं और मैं उन लोग को भी व्लॉग में लाऊँगा, डोंट वरी, थोड़ी देर बाद लाऊँगा क्योंकि अभी नहीं ला सकता। इनका भी प्लान चल रहा है कि व्लॉग शायद बनाया जाए, इनका भी जो यूट्यूब चैनल है उस पर सोच रहे हैं कि व्लॉग बनाया जाए, तो कर रहे हो स्टार्ट, बनाया जाए, इनके चैनल पर भी जाके देख लेना, आज शायद अगर बनाए तो आ जाएगा व्लॉग। अरे ऑडियंस लोग जो भी है ना,
वो सब परेशान हो रहे मतलब सिर्फ मेरा ही चेहरा देख देख के। हेलो, बाकी मेरे चैनल पे देख लेना हेलो के बाद। अरे अरे इतनी इतनी गजब प्रमोशन। तो अभी के लिए भैया जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे उसे चलाने का। तो चलो मैं अभी दिखाता हूँ कि क्या कर पाते हैं क्या नहीं। वैसे अभी तक चलाए नहीं है, सचिन भैया ने एक दो बार चलाया भी है बट अभी तक ये नहीं चलाया, तो चलो देखते हैं। भैया वो जगह देख लो, वहाँ लेके जाना है, कोई रिस्क नहीं चाहिए भाई, बहुत महंगा है। कितनी बार चलाए हो? दो बार। शाबाश। एक बार मैं भी चलाऊं भी पूरा मतलब ट्रॉली के साथ, पीछे मट्टी भी भरा। हा हा हा, सही में। कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से यहाँ से यहाँ तक? नहीं, और फिर मैं जो ट्रैक्टर चलाया था कहाँ से? पूरा वो भी मट्टी भरा था। तो मैंने ही नहीं चला यार, सिर्फ गड्ढा और ज्यादा। हाँ बारिश होने वाली, देख लो मौसम खराब हो रहा है। नहीं अच्छा नहीं, अभी तो हमने चलाना स्टार्ट कर दिया तो अच्छा क्या है? अच्छा है ना, थोड़ा सा तो बचेगा, तेल का बचेगा, थोड़ा तो बचेगा। लिटरली आज बुधवार है और बोल रहे हैं आज मंगलवार है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं आप लोग? और आज है दिन मंगलवार, जबकि आज बुधवार। ये अच्छा, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मंगलवार अच्छा बुधवार। सो अभी जो हवाएं हैं ना बहुत तेज चल रही हैं, एकदम तूफान जैसे आ रहे हैं, जो कि ये देख के अंदाजा लगा सकते हो। ये देखो पूरे पत्ते वत्ते उड़ रहे हैं, बहुत तेज़ है यार, वीडियो में पता ही नहीं चल रहा है पता नहीं क्यों। सो अभी तो हवा बहुत ही तेज़ चल रही है, देखो दोनों लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, दोनों लोग कर रहे हैं यहाँ पे। आई डोंट नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं अभी भी नोटिस करता हूँ कि जो मैंने पुराने ब्लॉग्स बना रखे हैं उसमें जो भी मतलब जहाँ मैं गया था, इतने टाइम पे यहाँ गया था, उतने टाइम पे वहाँ गया था, वो सब मैंने रिकॉर्ड करके डाल रखा है। तो अभी जब देखता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ को कि पहले मैं बहुत टाइम पहले मैंने ऐसा किया था, मुझे वो सब याद रहेगा। ठीक है, तो ब्लॉगिंग का अगर यूट्यूब जर्नी में कुछ सक्सेसफुल मुझे सक्सेस मिले ना मिले वो बात अलग है, लेकिन जितना भी मैंने किया है ना वो मेरे फ्यूचर के लिए मुझे हमेशा याद रहेगा, तो वो चीज़ बहुत अच्छी बात है। हाँ देखो अभी तो यही चल रहा है कि वहाँ से पानी बह रहा है, यहाँ हवा चल रही है और पाइप लगा रखे हैं, बस इतना चल रहा है अभी, कुछ नया होगा तो दिखाऊंगा। ये है अरवी की खेती और ये अरवी है, बाकी तो हवा चल रही है। तो अभी भैया ने अच्छा खासा स्टार्ट तो कर दिया और ले भी जा रहे हैं, देखो कैसे चला रहे हैं, ये हर जगह वीडियो ही बन रहे हैं। तो अभी ये छोटा सा आम मिल गया है और हाँ ये देखो अभी दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये पका है एक्चुअली, इसे रखते हैं, मैंने सोचा दिखा दूँ। हमारे तो देखो हमारे पैर के जो अच्छे खासे वाट लग चुके हैं, अभी ने यार घर पे जाके ही साफ करूँगा, नहा लूँगा वहाँ पे आराम से और नहा के सब कुछ करूँगा। तो यहाँ पर धान के कुछ बीज भी आए हैं जो बिल्कुल धान की तरह लगते हैं लेकिन ये बीज हैं। ठीक है, हैं तो धान ही लेकिन उनके बीज हैं, तो यहाँ पर इतने दिखाने के लिए हैं और बेचने के लिए भी हैं, लेकिन यहाँ पर भी उसके कुछ ज़्यादा स्टॉक रखे हैं, तो इतना सारा चीज़ें हैं। तो अभी तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, तो बस सोच ही रहे हैं कि क्या करें। हम सब बैठ गए यहाँ पे और आज के दिन हमने सोचा था थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, लेकिन क्या बताएं अभी तो बारिश भी स्टार्ट हो गई और मशीनें भी चल ही रही हैं, क्या करें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ से जाएंगे ना आएंगे तो बैठ के पढ़ेंगे आराम से, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कुछ पढ़ा नहीं है, तो आज मैं पढ़ूंगा अच्छे से, आज मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। तो मैंने देखा वीडियो 8-9 मिनट की हो चुकी है, मैं एडिट कर रहा था एक्चुअली अभी बैठ के, मैंने सोचा कि जल्दी से कर लूँ, तो 8-9 मिनट की हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा मैं बड़ा और कुछ नहीं बना सकता, मैं घर पे जाके और थोड़ा बहुत दिखा दूँगा। सीन जो है बस वही होता है, खेतों से थोड़ा लेवा कर दिया जाता है और हाँ उसके बाद जो भी धान के बीज है ना ऐसे उसे छीट दे जाएंगे पूरे खेत में, तो बस इतना ही उसका प्रोसेस होता है, वही होगा। तो अभी चलते हैं घर पे, वहाँ का सीन दिखाएंगे, यहाँ के लिए तो बस यहीं पे बंद करते हैं। ठीक है, सो गाइस मैं घर पे पहुँच चुका हूँ और मैंने नहा वहा लिया है मस्त, 11:30 बज रहे हैं अभी, तो नहा लिया है। हाँ अभी मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, तो आज एक्चुअली गुड्डी चाची देवांश तो जाने वाले हैं नानी के यहाँ,
क्योंकि वहाँ पर भी कुछ फंक्शंस वगैरह शायद कुछ है, मुझे नहीं पता। तो जा रहे हैं वो लोग, तो आप लोग शायद दिवांश को मिस करोगे, तो मैं थोड़ा सा उसे दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। और ये देखो मैंने बाल अभी कंघी नहीं किए, एक्चुअली मेरे बाल ऐसे रहते ना, ऐसे गिरे हुए, ये ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये मत समझना कि ऐसे मतलब बिखरे हुए रहते हैं, नहीं, ये एक्चुअली मेरा स्टाइल है। हाँ, जस्ट लाइक जस्टिन बीबर, थोड़ा थोड़ा ऐसे उसी टाइप से, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे, इसलिए मैं रखता हूँ। और कभी कभी जब मन करता है तो इसे ऐसे उठा भी लेता हूँ, मतलब जैसे जो भी, तो ये मेरा थोड़ा सा स्टाइल है। तो हाँ, अभी चलते हैं बाहर और मस्त अपना बाल और कंघी करते हैं और दिखाते हैं देवांश को भी, क्योंकि इसके बाद तो आप देवांश को शायद कुछ दिन तक व्लॉग में ना देखो, ठीक है? तो चलो चलते हैं बाहर। तो देवांश, देवांश यानी क्या, मुझे नहीं ले चलोगे? मुझे मुझे नहीं ले चलोगे? तो ले चलो फिर, मैं बैठूं बुड्ढी, मैं तुझे बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। मैं भी आपको बिल्कुल मैं नहीं करने वाला, मैं भी नहीं करने वाली। हाँ हाँ, ठीक ठीक, चल चल चल, रहने दे, चल फोन लगाऊंगी ना कि रहने दे रहने दे। तो अबे साले, सो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, ठीक है? मैंने ब्लॉग बहुत ज़्यादा बना दिया था दुकान पर ही, तो यहाँ की ब्लॉग्स मैंने जान के नहीं डाले, सुबह ही ख़त्म कर दिया था, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात हो गई है ना, तो बंद कर देता हूँ ब्लॉग को यहीं पे। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, होप ही करूँगा कि पसंद आया होगा। और मैंने देखो ईयरबड्स खरीदे, तो अभी दो दिन आए हैं, दो तीन दिन हुए, 30 सितंबर को आया, ठीक है? तो हाँ, बताना क्वालिटी कैसी है, और मैं भी देखता हूँ अभी। तो हाँ, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दो, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ। बाय द वे गाइस, ये मेरा ऐसा ख़राब नहीं है बाल, वो मेरा ऐसा स्टाइल है, पता नहीं सबसे अलग तो नहीं है जस्टिन बीबर जैसा, थोड़ा थोड़ा समझो थोड़ा, तो क्या यार, बस ये थोड़ा स्टाइल है मेरा, ठीक है? मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, हाँ पसंद ऐसा ना कि मतलब अगर एकदम से ऊपर रहे तो ऊपर ही रहे, या तो एकदम से नीचे ही रहे, ऐसा बीच वाला सिस्टम मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा लगता है बीच वाला भी अच्छा लगता है, पर वो भी नहीं होता, यही सिर्फ होता है, इसी वजह से इसे मैंने अपना स्टाइल बना रखा है।